हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रैबिट गेमिंग। तो आज हम सीखेंगे कि हम ट्रैप चेस्ट कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको कि इस ट्रैप चेस्ट को आप कहां और कैसे यूज़ कर सकते हो और चेस्ट एंड ट्रैप चेस्ट में क्या डिफरेंस है। जितना भी मुझे आइडिया है मैं वो सब आपको इस वीडियो में बताऊँगा और इस ट्रैप चेस्ट को कहाँ और कैसे यूज़ करना है वो भी मैं बताऊँगा आपको। तो बने रहना वीडियो के एंड तक और जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो यार। मोस्टली लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बस मतलब वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, चले जाते हैं, बट आप सब्सक्राइब किया करो प्लीज़, उसी से मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं वीडियो। तो अगर हम अपनी गेमिंग स्क्रीन पे, तो सबसे पहले आगे बनते हैं। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले इसका इंग्रेडिएंट बता देता हूँ। इंग्रेडिएंट में आपको लगेगा चेस्ट और ट्रिप वायर हो। तो चेस्ट जिसे नहीं पता कैसे बनाते तो ऊपर आई बटन में वीडियो आ रही होगी और बनाना ही बहुत ईजी है। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कैसे बनाना चेस्ट। आप ऐसे प्लैंक्स उठाओगे, उसको यहाँ ऐसे साइड साइड में रख दोगे, 8 टोटल प्लैंक्स रख दोगे बीच का छोड़ के, और आपकी चेस्ट बन जाएगी। तो हमने चेस्ट बना लिया, अब हमें बनाना है ट्रिप वायर हुक। तो ट्रिप वायर हुक के लिए आपको सबसे पहले लगता है प्लैंक। तो आप प्लैंक उठाओगे, नीचे रखोगे, इसके ऊपर रखोगे आप स्टिक बीच में एकदम लाइन में, और सबसे ऊपर रखोगे आयरन इंगट। आयरन इंगट आपको आयरन ओर से मिलेगा, जो आप माइनिंग करोगे तब आपको आयरन ओर मिलेगा, उसको मेल्ट करके आयरन इंगट बनता है। तो ऐसे हमारा पूरा बन चुका है। अब देखो, दो ट्रिप वायर हुक मिल चुके हैं हमें, एक आयरन इंगट, एक स्टिक और एक प्लैंक से। तो दो की ज़रूरत है हमें, दो से मतलब दो भी बहुत ज़्यादा है। तो हाथ में कुछ इस तरह से दिखेगा आपका ट्रिप वायर हुक। तो अब हम बना लेते हैं ट्रैप चेस्ट। ट्रैप चेस्ट बहुत ईजी, ऊपर आप चेस्ट रखोगे फिर ट्रैप वायर रखोगे, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको आगे पीछे आगे रखना है या पीछे, वो बनेगा ट्रैप चेस्ट ही। तो ट्रैप चेस्ट हमने बना लिया है, तो अब इसे ले चलते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको रख देता हूँ बीच में। अब मैं पहले आपको चेस्ट और ट्रैप चेस्ट में डिफरेंस दिखा देता हूँ कि कैसा है। तो देखो, ये आपका लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हो ये पूरा नॉर्मल चेस्ट है, और राइट वाला आपका ट्रैप चेस्ट है। तो मैं नॉर्मल चेस्ट आपको दिखाता हूँ। देखो, ये जो आप लॉक की साइड देख रहे हो हल्का हल्का सा ब्राउन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ा डार्क है, वो थोड़ा रेडिश और ब्राउनिश टाइप का कलर आता है इसके अंदर लॉकर के ऊपर। तो ऐसे आप पता लगा सकते हो कि नॉर्मल चेस्ट और ट्रैप चेस्ट में क्या डिफरेंस है। उसको तोड़ लेते हैं, अभी यहाँ पे ले आते हैं, अब यहाँ पे रख देते हैं। तो इस ट्रैप चेस्ट का यूज़ माइनक्राफ्ट के प्लेयर्स मल्टीप्लेयर वाले सर्वर में करते हैं मेनली, क्योंकि वहाँ पे और भी प्लेयर्स होते हैं, वरना जो आपका सिंगल वर्ल्ड होता है उसमें आप सिर्फ अकेले ही एक होते हो पूरे वर्ल्ड में। तो इसलिए इसका बेसिक ज़्यादातर इस्तेमाल मल्टीप्लेयर बैटल्स मल्टीप्लेयर सर्वर्स में ही होता है, जहाँ पे जो प्लेयर है वो अपना सामान बचाने के लिए, अपनी लूट बचाने के लिए ट्रैप चेस्ट को रखता है। मतलब ऐसे वो पूरा एक ट्रैप बिछा देगा ट्रैप चेस्ट में, जिससे दूर से अगर कोई प्लेयर आएगा उसको लगेगा कि एक नॉर्मल चेस्ट है जिसमें लूट होगी, और वो जाके उसको खोलने लगेगा, और जैसे ही वो खोलेगा वो ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि उसके नीचे TNT रखा होता है और वो एक्टिवेट हो जाता है। तो मैं आपको ऐसे ही दिखाऊंगा कि ये ट्रैप कैसे बिछा सकते हो आप ट्रैप चेस्ट की हेल्प से। तो एक सिंपल ट्रैप होगा, बाकी आपको और अच्छा बनाना हो तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं। बाकी ये आपके क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना बना सकते हो, मतलब कितना अच्छा या कैसे बना सकते हो ट्रैप। मैं बस आपको एक बेसिक एग्जांपल वाला ट्रैप चेस्ट छोटा सा एकदम नॉर्मल सा बना के दिखा दूंगा कि आप कैसे ट्रैप बिछा सकते हो और कैसे कोई बंदा उसमें आके फंस सकता है। अब जो हम ट्रैप बनाएंगे वो हम घर से दूर बना रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी जो कर्म भूमि है जहाँ पे हम इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं सीखते हैं, वहाँ पे TNT से सब कुछ वो उड़ा दे, क्योंकि TNT बहुत ख़तरनाक है पूरी गेम के अंदर। अगर वो वहाँ फूटा तो समझ लो काम ख़त्म, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बनाएंगे पूरा एक ट्रैप। मैं आपको जल्दी से बना के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊँगा कि मैंने वो कैसे बनाया। तो देखो, इस तरह से पूरा आपने पहले TNT बिछा देना ज़मीन में एकदम फ्लोर के लेवल की। तो मैं यहाँ पे आपको पहले एक कोबलस्टोन लगा के दिखा देता हूँ कि कोबलस्टोन से मैं ऐसे कवर कर रहा हूँ, बट आप इसको और अच्छा बनाने के लिए आप इसको डर्ट भी लगा सकते हो इसके ऊपर, ताकि वो नीचे की ग्रास से पूरा मैच हो जाएगा और सामने वाले बंदे को मतलब इतना लगेगा नहीं कि किसी बंदे ने ये जानबूझ के बनाया है पूरा जगह, उसको लगा कि एक नॉर्मल जगह है और वहाँ पर एक चेस्ट स्पॉन हो गया, क्योंकि गेम में चेस्ट स्पॉन हो सकती है। अब देखो, मैं कोई नॉर्मल प्लेयर हूँ ऐसे, और मैं आता हूँ और मुझे दिख रहा है वो चेस्ट। बॉय, मैं जा रहा हूँ चेस्ट के पास। ये देखो, अब मुझे लग रहा है कि मेरी लॉटरी लग गई, अब मैं चेस्ट खोल रहा हूँ और ये आपको आवाज़ आ रही होगी। अब देखो अब क्या होता है, इससे पहले मैं भागूँ रैबिट गेमिंग ब्लू अप, देखा आपने, तुरंत आपकी इंस्टेंट डेथ हो गई मेरे प्लेयर की और मैं वापस रिस्पॉन हो चुका हूँ। तो अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि वो जगह कैसी है, पहले हम सो लेते हैं ताकि सुबह हो जाए। आपने बार में सब उड़ गया हमारा, पूरी वो जगह भी आप देखना कि क्या हाल हो रखा उस जगह का। तो हम सुबह हो चुके हैं, तो जल्दी से चलते हैं। हाँ, इस साइड पे हम आया था। तो जब तक हम लोग पहुंच रहे हैं तब तक प्लीज़ पूरा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। आप जितना आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते मोस्टली लोग, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो,
मोटिवेशन मिलेगी और वीडियो बनाने के लिए, वरना फिर डीमोटिवेट होंगे तो वीडियो कम ही आएंगी, ये घाटा है बस, क्योंकि और भी चीज़ों पे फोकस करना होता है। तो हम यहाँ आ चुके हैं, अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये पूरा आप देख रहे हो जो जगह, ये पूरा काम TNT की वजह से हुआ है, ट्रैप चेस की वजह से। तो सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखो आप पीछे देख ही रहे होगे कि कैसे पूरा ब्लास्ट हो चुका है TNT की वजह से और ट्रैप चेस्ट की वजह से। तो अगर सोचो ज़मीन का ये हाल है, तो जो बंदा वहाँ पे बैठा था, जिस बंदे ने वो चेस्ट खोला था, उसका क्या हाल हुआ होगा, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा। तो इस तरह आज हमने सीखा कि हम ट्रैप चेस्ट कैसे बना सकते हैं, उसका यूज़ क्या है, और चेस्ट और ट्रैप चेस्ट में डिफरेंस क्या है, आप कैसे ट्रैप बिछा सकते हो। ये पूरा मैंने बेसिक एग्जांपल दे दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, नीचे रेड बटन है उसको प्लीज़ प्लीज़ दबा देना। थैंक यू।